जिंदा पेड़ों को कर दिया गया दफन, सबूत होने के बाद भी चुप है अधिकारी। करीब करीब 2000 पेड़ के करीब थे, सफेदे थे, जो कि 30 से 40 फुट हाइट के सफेदे थे। अजीत जैन है, उन्होंने रातों रात इन 2000 पेड़ों को काट दिया गया है। इन्होंने रातों रात मिट्टी से वो पेड़ दबा दिए। कैसे सांस ले पाएंगे दिल्ली वासी? हजारों लोगों की घुटती सांसों का जिम्मेदार कौन? आपने नरबलि सुनी होगी, जानवरों की बलि सुनी होगी। यहां खेड़ा गांव के बादशाही रोड पर पेड़ों की बलि दी गई है। जिंदा पेड़ों को दफन कर दिया गया, बकायदा मिट्टी डालकर हरे भरे पेड़ों की कबरगाह बना दी गई। और उन्हीं हरे भरे पेड़ों की कबरगाह पर खड़ी है ये इमारत। ये उस दिल्ली का हाल है, हर पल आदमी सांस नहीं जहर घोट रहा है। ऐसे में जीवनदानीय और प्राणवायु देने वाले हरे भरे पेड़ों की हत्या की जा रही है। याद होगा हाल ही में दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर तरहाई माम मचा हुआ था, तो बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। हालात सामान्य क्या हुए, लोग ये सब भूल गए। जिस ऑक्सीजन के लिए धन दौलत सब लुटा रहे थे, आज उसी धन दौलत के लिए ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को ही काट दिया, दफना दिया गया और मिट्टी तले दबा दिया गया। ऐसे में सवाल ये कि क्या इनकी भनक अधिकारियों को नहीं लगी? क्या इतने बड़े बड़े पेड़ काटे गए और अधिकारियों को कुछ भी नहीं पता चला? तो रुकिए और ये तस्वीर देख लीजिए। ये वही अधिकारी है जिन पर ये जिम्मेदारी थी कि पेड़ों को बचाया जाए, पर चंद नोटों के लालची अधिकारियों ने अवैध गोदाम बनाने के चक्कर में बिल्डर के द्वारा लगभग हजारों हरे भरे पेड़ों को कटवा दिया। ग्रामीण लोगों ने फॉरेस्ट विभाग में इसकी शिकायत दर्ज करवाई, तो शिकायत पर फॉरेस्ट विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अपना लाव लश्कर लेकर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। लोगों को लगा इंसाफ होगा, बकायदा फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के द्वारा जेसीबी से खुदाई की गई तो वहां से काफी संख्या में दबे हुए पेड़ निकले। ये सब देखते ही फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के पांव के तले की जमीन खिसक गई। मौके पर मौजूद फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा कि इस बिल्डर के ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जिसने अवैध गोदाम बनाने के चक्कर में कई हजार पेड़ों की बलि चढ़ा दी। इन तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी जेसीबी से खुदाई करवाते हैं और काफी संख्या में पेड़ भी निकलते हैं। कमाल तो ये है कि सबूत भी है, गवाह भी है, पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा अभी तक बिल्डर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो क्या इन अधिकारियों की जेब भी हरी कर दी गई? क्या ये मामला है, कितने पेड़ यहाँ पर लगे थे जो अवैध गोदाम बनाने के लिए काट दिए गए हैं? करीब करीब 2000 पेड़ के करीब थे, सफेदे थे, जो कि 30 से 40 फुट हाइट के सफेदे थे। अजीत जैन है, उन्होंने रातों रात इन 2000 पेड़ों को काट दिया गया है। अगर इनकी जांच करनी है तो ये जो प्लॉट खाली पड़ा है, इसको अगर खोदा जाएगा तो इसमें 100 से 150 पेड़ आज भी जिंदा है। फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई करनी चाहिए, तो इन्होंने रातों रात मिट्टी से वो पेड़ दबा दिए। फॉरेस्ट विभाग ने पीछे 2 महीने पहले इसको खोदा था, 10-15 पेड़ इनके निकले थे, इन्होंने वो फिर पेड़ रातों रात वापसी दबवा दिए गए हैं। अगर इसको खुदाई करके पेड़ों को निकाला जाएगा तो आज भी 100 से 150 पेड़ इसके नीचे दबे हुए हैं, 100 की सफेदे 30 से 40 फुटे हैं। अजीत जैन नमक ने ये जमीन ले रखी है फॉरेस्ट विभाग का, इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। फॉरेस्ट कार्रवाई नहीं कर रहा, ये मालिक फरार है, इसका अता पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। फॉरेस्ट विभाग इनको ढूंढता घूम रहा है, ये कार्रवाई है। अच्छा, क्या ये खेती लायक जमीन थी, एग्रीकल्चर जमीन थी, और यहाँ पर पेड़ काट कर अवैध तरीके से गोदाम बनाया गया है? ये जमीन करीब करीब 2 करीले से फालतू जमीन थी, जिसमें 2000 से ऊपर पेड़ थे, जिनमें से कुछ तो ये गोडाउन बना दिए, करीब 1 किले के करीब ये खाली पड़ी है। अब इसकी जांच की जाए तो इसमें 2000 पेड़ होगी। आज भी अगर गूगल मैप से आप इनको देखोगे तो आपको 2000 पेड़ स्पष्ट दिखाई देंगे। तो क्या लगता है, ये सब प्रशासन की मिलीभगत करके जो है ये पेड़ काटे गए हैं, या प्रशासन इन पर एक्शन लेना ही नहीं चाहता? प्रशासन की मिलीभगत से काटे गए हैं, प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता। जब भी प्रशासन कार्रवाई करता है, ये ले दे के चुप कर देते हैं प्रशासन। ग्रामीण बताते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ पर हजारों की संख्या में हरे भरे पेड़ लहलाते थे, पर अब इमारत दिखाई देती है और अब अवैध गोदाम बनाने के चक्कर में अजीत जैन नाम के बिल्डर ने हजारों हरे भरे पेड़ों को इसी गोदाम के नीचे दफन कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि फॉरेस्ट विभाग को कंप्लेंट दी गई थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनकी तरफ से कार्रवाई भी की गई, तो जमीन के अंदर से काफी पेड़ निकले। लेकिन जमीन के अंदर से पेड़ तो निकले, पर अधिकारियों की तरफ से इस बिल्डर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ये साफ साफ लगता है
कि इस बिल्डर के द्वारा उन अधिकारियों की समय रहते जेब गरम कर दी गई और उन अधिकारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। नवीन, ये यहाँ पर क्या खेती लायक जमीन थी? यहाँ पर काफी पेड़ खेती लायक जमीन थी, यहाँ आते जाते थे तो बहुत पेड़ दिखते थे यहाँ पे हजारों की तंग उसमें, लेकिन अब आज के देख रहे हैं तो गाड़ियां खड़ी हैं, गोडाउन बने हुए हैं, सारे के सारे रातों रात पेड़ कट गए, गायब हो गए। तो यह खेती लायक जमीन थी यहाँ पे? एक खेती लायक जमीन। तो आप यहाँ पे आते जाते रहते थे? हाँ। पहले ही दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है और ऊपर से इस तरीके से अवैध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो किस तरीके से दिल्ली की जनता सांस लेगी? ये सांस लेना तो दिल्ली के अंदर मुश्किल हो रहा है ना, ये पेड़ कटते जा रहे हैं तो सांस कहाँ ले पाएगी दिल्ली के लोग। तो अभी क्या कार्यवाही चाहते हैं कि इन पर कुछ न कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए, जो कट रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतने पेड़ काटे गए और अधिकारियों तक बात भी पहुंची, इसके बावजूद हजारों पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई और कुछ अधिकारी एसी वाले कमरे में बैठे रहे, धड़ल्ले से जमीन बर्बाद होती गई और प्रशासन चुप रहा। जांच करने आए अधिकारियों की थालियां भी ठीक वैसे ही सजा दी गई जैसे कुत्तों को हड्डियां दी जाती हैं। जब अधिकारी ही भ्रष्ट हो तो फिर एक्शन कौन ले, कौन दिल्ली वालों की सांस बचाए? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।